मिनलिन अबुल किताब एहल किताब से यदू कुम तो नतीजा ये होगा कुम तुम्हें लुटा देंगे बाद कुम तुम्हारे ईमान कबूल करने के बाद काफिरीन काफिरों में अ ईमानों वालो अगर तुम कहा मानोगे एहले किताब के गिरोह का तो नतीजा ये होगा कि ये तुम्हे लुटा कर छोड़ेंगे तुम्हारे ईमान कबूल करने के बाद काफिरों में तो ये काफरों की मकाराना जहनीयत इसमें बताई गई है कि अगर तुम उनका कहना मानोगे तो वो तुम्हें दुनियावी नुकसान तो पहुंचाना तो उनका हदफ होगा ही सही लेकिन उनका असल मिशन ये होगा कि वो इस पर राजी नहीं होंगे कि तुम्हें कमजोर कर दें या तुम्हें नुकसान पहुंचा दें उनका अदफ, असल में हदफ और मिशन ये होगा कि वो तुम्हें काफिर बना के दम लेंगे इससे कम पर वो नहीं रुकेंगे ठीक है तो ये शुरू से उनका तरीके कार अब भी यही है ठीक है हम उनके नक्शे कदम पर उनकी गुलामी में उनके तरीके पर चलना सादा समझते हैं और वो हमारे दिलों से ईमान की रोशनी को खींच रहे हैं वो हमारे दिलों से इस्लाम को निकाल रहे हैं ठीक है क्योंकि उनका तो आधा और ही यही है कि इस इन इस कौम को भी करके इनके दिलों से ईमान का नूर खत्म कर दो और इन्हें मुकम्मल तौर पर बेईमान बना दो ताकि ना इस्लाम के रहें और ना हमारे रहें मुकम्मल तौर पर बेईमान हो जाए ये जो हमारे मुल्क के मौजूद हालात हैं इसकी वजह यही तो है ठीक है हम ना उनके तरफ जाने के काबिल रहे और ना दीन की तरफ जाने के काबिल रहे ठीक है तो हमारी कश्ती जो है ना साहिल पर पहुंचने से पहले ही दबो दी जा रही है ठीक है अल्लाह ताला ने आज से चौदह सौ साल पहले उनकी ये जहनीयत अल्लाह ताला तमाम पर वाजे कर दी थी ठीक है तो खैर ये आयत का जो पसे मंजर है ये मजीद उनके इस मकाराना जहन की वजात करता है यशरफ के दो कबीले थे औस और खजरत इनमें कदीम अरसे से दुश्मनी चली आ रही थी कई दफ़े एक दूसरे से जंग कर चुके थे और बड़ा इनका उन जंगों में कतलेआम भी हुआ था बड़ा जानी नुकसान हुआ था नबी अक्रम सल्लम ने जब यसरब की सरजमीन को आप उसमें तशरीफ लाए मदीना में मदीना का पुराना नाम यसरब था ना ठीक है तो आपकी तालीम और तरबियत की बरकत से आस और खजरत की जो दुश्मनी थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई वो एक दूसरे के भाई भाई बन गए और वो जो दुश्मनी जिसके खत्म आने का कोई इम्कान ही नहीं था ठीक है वो दुश्मनी नबी करीम सलम की बरकत से वो खत्म हो गई उनकी और आपस में वो एक दूसरे के दोस्त और भाई भाई बन गए ठीक है तो यहूदियों का शुरू से ये तरीका था कि डिवाइड एंड रूल लोगों को आपस में लड़ाओ बढ़ाओ इनको तकसीम करो और हुकूमत करो ठीक है तो औस और खजरत जब नबी करीम अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे तो वहां पर यहूदियों का राज था वो इन दोनों को लड़ाकर आपस में अपने फायदे हासिल करते थे तो जब नबी पागल मदीना में तशरीफ लाए तो अवसर खदर भाई, भाई भाई बन गए तो उनका ये भाईचारा और दोस्ती यहूदियों के लिए बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी तो एक दिन एक यहूदी था जिसका नाम था शास बिन कैस तो वो एक ऐसी मजलिस के पास गुजरा जिसमें औस और खजरत मोहब्बत और प्यार के जज्बा से सरशार होकर गुफ्तू कर रहे थे एक दूसरे के साथ प्यार कर दार कर रहे थे औस और खजरत के लोग तो वो जहर है वो हासिद वो तो होते हैं यहूदी तो वो हसद में जल कर रह गया ठीक है तो उसने एक दूसरे यहूदी को तैयार किया कि तुम में इस मजलिस में जाओ और ऐसे शेर पढ़ो जो इन इनके एक दूसरे की दुश्मनी पर मुश्तमिल हूँ तो ये फिर आपस में लड़ना शुरू कर लें तो वो यहूदी गया और उसने उनके पास जाकर ऐसे शेर पढ़ने शुरू कर दिए जिनमें उनकी पुरानी जंगों का जिक्र था तो उस यहूदी की एक चाल कामयाब हो गई और औस और खजरत जो है उन पहले तो उन आपस में उनके दरम्यान तलख कलामी हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है ना वो जंग की शक्ल इख्तियार कर गई एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने तलवारें निकाल ली ने संभाल लिए और लड़ाई करने की जो तैयारी थी वो उन्होंने शुरू कर दी तो इसकी इतला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप जल्दी से अपने सहाय के को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचे और आप खुद इन दोनों सफों के दरमियान खड़े हो गए और फरमाया अवसर खजरे ये तुम्हें क्या हो गया है मेरे मौजूद होते हुए तुम जहलीत के जमाने की रस्म को ताजा कर रहे हो वो दुश्मनी जिसके शोलों को इस्लाम ने बुझा दिया है क्या तुम फिर उन्हें भड़काना चाहते हो आपने मजीद फरमाया कि ये शैतान की वसुजा अंदाजी है और ये तुम्हारे दुश्मनों की साजिश है ये फरमान सुनकर उनकी आंखें खोल गई यकदम उन्होंने हथियार जमीन पर फेंक दिए और वो आंखें जिन से एक लम्हे पहले गुस्से के अंगारे निकल रहे थे नबी करीम अलैहि वसल्लम की और नसीहत सुनकर उन आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए और वो दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को गले लगा रहे थे इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई ठीक है कि अल ईमान आप कभी भी यहूदियों ईसाइयों या कुफार का कहना ना माने इनकी तो ये कोशिश होती है कि आपस में आपको जो है ना लड़ा दें आप तुम्हारी लड़ाई करा दें तो शुरू उम्मत मुसलमान पॉलिसी दी इस आयत के जरिए कि आपने कभी कुफार पर बिलखसूस अहले किताब पर एतबार नहीं करना ठीक है तो क्या हो रहा है इन लोगों ने कैसी तकसीम की लकीर खींची है अब मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा है ईरान वाले सऊदी अरब को नहीं देख सकते सऊदी अरब वाले ईरान को नहीं देख सकते ठीक है अरब ममालिक को अजमी नहीं देख सकते अरबी अजमियों को नहीं देख सकते एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं ठीक है और कुफार की साजिशों का मरकज बनी हुई है क्यों इसलिए इन्होंने एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं बढ़ाया और काफरों का कहना माना ठीक है तो इस आयत में यह अबदी हकीकत पेश की गई है जिस पर ज़माने की हर करवट ने मोर तस्दीक सबक की है ठीक है उन्नीसवीं सदी को अगर हम देखें तो बड़े सगीर पाक हिंद में मुसलमानों पर क्या गुजरी यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमान हुक्मरानों को, को किस तरह एक दूसरे खिलाफ लड़ा कर इस्लामी जो हुकूमत थी मुगलों की उसकी ईंट से ईंट बजा दी सल्तनत उस्मानियों को उन्होंने खत्म कर दिया ठीक है इराक को तबाह कर दिया अफगानिस्तान को तबाह कर दिया शाम को तबाह कर रहे हैं और फलस्तीन को जो है वो रोजाना मुसलमानों का खून दर्दी से उनकी वजह से बजाया जा बहाया जा रहा है ठीक है किस तरह उन्होंने मशरक वस्ती के जो मुसलमान थे लीडर उनको थे उस्मानी के खिलाफ भड़काया और उन्होंने में बगावत बुलंद की और किस तरह उन्होंने अपनी इज्जत का जनाजा निकाला ठीक है मुसलमानों ने जब भी गैर मुस्लिम पर इस तरह अंधा एतमाद किया उन्हें रूह फरसाला से दुचार होना पड़ा जिस तरह के हमारे मुल्क की सूरत हाल है इन्होंने मतलब एक दूसरे को गिराने में सारी कोशिश की कोई अमेरिका की वजह से जो हैर एक हुकूमत गिरा रहा है कोई रूस की वजह से गिरा रहा है ठीक है अब जो हमारी हुकूमत थी जो सबका थी दो हजार बाईस में जिनका खात्मा हुआ उनका जो फॉरन पॉलिसी थी वह आजादाना थी तो मुल्की अफाद को देखने की कोशिश कर रहे थे तो अमेरिका को पसंद नहीं आई उन्होंने उनको गिरा दिया तो नुकसान किसका हुआ पाकिस्तान का हुआ उम्मत मुस्लिमा का हुआ ठीक है यार यही हमें बता रही है ना अगर इस तरह तुम उनके वफादात का तहफ़ करोगे तो उन्होंने इस पर रुकना नहीं है ठीक है तुम बिलक बिलक कर सिसक सिरक कर तड़प तड़प कर मर जाओगे मर जाना उन्हें पसंद होगा अगर तुम्हें जिंदा रहना होगा तो वो तुम्हें चाहेंगे कि तुम ये रुदूकुम बाईम कि तुम दोबारा काफिर बन जाओ ठीक है तो इस्लाम जो है ना वो बड़ा अमन पसंद दीन है उसने किसी के साथ नेक काम में ताउन से मना नहीं किया लेकिन उसने दूसरों से धोखा तो और फरेब खाने से जरूर हमें रोका है। औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 एक, एक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। कयफा तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह वसीकुम रसूलु वमन यअतसिम बिललाह फकद हुदिया इला मुस्तकीम। वाह और कैफ़ा ये कैसे हो सकता है तक फुरूना की तुम कुफर करते हो वाहन तुम हालांकि तुम लोग पड़ी जाती हैं अलैकुम तुम पर आयातल अल्लाह की आयतें रफीक और तुम में रसूल हो उसका रसूल मौजूद है और ये कैसे हो सकता है कि तुम अब फिर कुफर करने लगो हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें पड़ी जाती हैं और तुम में अल्लाह का रसूल भी तशरीफ फरमा है इन मौजूद है वहीं या तसेम बिल्ला है फ़कद हो दिया अरा मुस्तकीम वाह और मन जो या पकड़ लेता है बिल्ला है अल्लाह को यानी अल्लाह के दामन को यानी उसके दीन को फ़कद तो ज़रूर हो उसे पहुंचाया जाता है अला की तरफ सिरात रास्ते मुस्तकीम सीधे यानी सीधे रास्ते की तरफ उसे जरूर पहुंचाया जाता है और जो मजबूती से पकड़ लेता है अल्लाह के दामन को तो उसे सीधी राह तक जरूर पहुंचाया जाता है और ये कैसे हो सकता है कि तुम अब फिर कुफर करने लगो हालांकि तुम वो हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में अल्लाह का रसूल भी तशीफ फरमा है और जो मजबूती से पकड़ता है अल्लाह के दामन को तो उसे जरूर सीधी राह तक पहुंचाया जाता है इन आयात में अल्लाह अहले ईमान को और अहले किताब दोनों को मुखातब कर रहा है ठीक है कि पीछे आयत में अल्लाह ने फरमाया था ना कि अहिल ईमान अगर तुम कहा मानोगे एहल किताब के गिरोगा तो ये नतीजा इसका ये होगा कि वो तुम्हें जरूर तुम्हारे ईमान कबूल करने के बाद काफरों में लुटा देंगे यानी तुम्हारे ईमान को ख़त्म करके तुम्हें दोबारा कुफर की मिलत में दाखिल कर देंगे तुम्हें दोबारा काफिर बना देंगे तो अल्लाह तला एहल ईमान से भी मुखातब है कि यह कैसे हो सकता है कि तुम फिर कुफर करने लगो हालांकि तुम वो लोग हो कि तुम पर अल्लाह की आयात पड़ी जाती हैं और अल्लाह का रसूल भी तुम्हारे दरम्यान में मौजूद हैं आप आप तशरीफ फरमाएं ठीक है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम ईमान कबूल करने के बाद फिर कुफर करने लग जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम ईमान कबूल करने के बाद कुफर का कुफर में नहीं जा सकते मतलब ये है कि अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम जा सकते हो अगर तुम इनकी सोबत में चले जाओ इनका कहना मानो इनकी तात और इनकी फर्मा बरदारी करो तो ऐसा मुमकिन है तो यहाँ पर एक तो ये बात साबित हो चुकी है कि अगर हम जो इस्लाम के अलावा जो दीन के जो और दीनों के पैरकार हैं जैसे यहूदी ईसाई उनको फॉलो करेंगे ठीक है उनके तर्ज जिंदगी को अपनाएंगे उनके तरीके कार को अपनाएंगे तो फिर ये होगा कि हमारा दीन भी चला जाएगा ठीक है तो दुनिया में आपको पता है कि हमेशा एक कौम गालिब रही है और दूसरी मगलूब रही है तो गालिब कौम हर तो लिहाज से वो गालिब ही होती है माशी तौर पर इकसादी तौर पर माशरती तौर पर मीडिया के लिहाज से और मकलूब जो होती है वो उसको फॉलो करने की कॉपी करने की कोशिश करती है तो मगलूब हमेशा गालिब कौम को फॉलो करती है जब वो फॉलो करती है उसका तो जो गालिब कौम होती है वो उसका दीन भी ले उड़ती है यही अब हमारी मौजूदा हालत है कि हम पर वेस्ट जो है हर लिहाज से गालिब है उन्होंने मेहनत की है तरक्की की है काम किया है तालीम में वो आगे बढ़े हैं सियासत में उन्होंने मेहनत की है अपनी कौम के लिए उन्होंने सोचा है तो वो आगे बढ़ गए गालिब हो गए अब हमारे लोग जब उनको फॉलो करते हैं तो उन्हें इस बात का पता है तो फिर इनके ईमान के साथ खेलते हैं ठीक है तो इस ये बात हो रही है दूसरी ये बात है कि इसमें फिर जो बुरी सोबत और बुरी दोस्ती है उसका भी नुकसान इस आयत से साबित होता है कि बुरी दोस्ती भी इंसान के दीन को या उसकी जान को या उसके जो मुफाद होते हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती है ठीक है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये कैसे हो सकता है कि तुम पर अल्लाह की आयतें भी पढ़ी जाए तुम्हें अलग रसूल भी मौजूद हो और फिर भी तुम लोग को करने लग जाओ ठीक है तो उन वो तो सिर्फ उनके तो झूठे दावे हैं उन्होंने अपने दीन को बदल दिया है तुम्हारे दरमियान अल्लाह का कुरान हो रहा है अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है तो ये कैसे हो सकता है कि तुम दोबारा को करने लग जाओ ठीक है तो फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के दामन को यानी अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लेता है यानी सख्ती से उस पर अमल पैरा होता है तो उसको सीधे राह तक उसको जरूर पहुंचा दिया जाता है सीधी राह तक पहुंचाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की रजा तक को वो हासिल कर लेता है जो दीन पर अमल पैदा होता है तो आज के दौर में लोग कहते हैं ना जिससे गैर अल्लाह राजी होता है तो उसके सारे मसाइल हल हो जाते हैं हर मसले से निकलने का उसके लिए हल मौजूद होता है तो आज कल लोग पूछते हैं ना जी हम परेशान हैं जी हमें टेंशन है जी हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं तो हम क्या करें उसकी मुश्किल हल हो जाती है उसके खत्म हो जाती है तो वाद हल क्या है दीन है दीन ही हमारे तमाम मसायल का वाह हल है इससे ये होगा कि अल्लाह रसूल के साथ हमारा ताल्लक मजबूत होगा हमारी दुनिया की जिंदगी आबाद होगी इसमें बाहरें होंगी क्योंकि दीन तो कहता है कि ईमानदारी के साथ रहो, माम, अपने मामला में ईमानदारी करो ठीक है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो रिश्तेदारों का ख्याल रखो मुल्क का ख्याल रखो अपनी कौम का ख्याल रखो ठीक है तो दीन तो ये कहता है तो दुनिया भी इससे संवर जाएगी और आखत भी संवर जाएगी तो तमाम मसाइल का जो हल है वो हमारे दीन में है ये हमें समझना चाहिए और इसी में हमारी कामयाबी की राह है जी माशाल्लाह जी सर जी थैंक यू सो मच आपका अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी कोई सवाल नहीं जी कोई सवाल नहीं है